जी भाई साहब, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ में 16वीं लोकसभा में आपके जिले की आवाज को बुलंद करने वाली किसी न किसी समय पे बोलने की कोशिश विश्व के करती लोकप्रिय नेता और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 9 वर्ष हो चुके हैं। उस सफलता में 9 वर्ष होने पर हम 30 मई से लेकर 30 जून तक कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में आज की ये झुंझुनू की जनसभा रखी गई है। इसमें हमारे केंद्र से राज्यसभा के सदस्य आदरणीय सुरेंद्र जी नागर जी जो हमारे साथ वहाँ राज्यसभा में बैठते हैं, मैं लोकसभा में बैठता हूँ, पहले लोकसभा में बैठते थे पिछली बार, हमारे सीआर चौधरी जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं वो यहाँ इस मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पधारे हैं। ये जनसभा रखी गई है। हमारे 30 मई से 30 जून तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मोदी जी ने देश के लिए और देश की जनता के लिए जो अच्छे काम किए हैं उसको हम जनता के पास लेकर के जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये जनसभा है। मोदी जी ने हमारे भारत का मान सम्मान विश्व में बढ़ाया, भारत का ही नहीं भारत के नागरिकों का मान सम्मान बढ़ाया, हमारे तिरंगे झंडे का मान सम्मान बढ़ाया। जिस झंडे को हम यहाँ कुचलते थे, कोई लोग जलाते थे, उसी झंडे में आपने यूक्रेन के युद्ध में देखा होगा, इस झंडे के सारे हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे व्यापारी लोग हैं, और पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में 5 मंत्री वहाँ गए।